नमस्कार दोस्तों, जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है पे कमीशन न्यूज चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 8th पे कमीशन के बारे में, क्योंकि जब 7th पे कमीशन लागू हुआ तो 7th पे कमीशन ने अपनी रिपोर्ट के पैरा 1.22 में यह सिफारिश की थी कि पे मैट्रिक्स को 10 वर्ष की लंबी अवधि की प्रतीक्षा किए बिना आवधिक रूप से पुनरीक्षित किया जाए। इसे एक्वायर्ड फार्मूले के आधार पर पुनरीक्षित और संशोधन किया जा सकता है। एक्वायर्ड फार्मूला यह वह फार्मूला है जिससे कर्मचारियों की सैलरी को महंगाई, कॉस्ट ऑफ लिविंग के साथ साथ कर्मचारी की परफॉर्मेंस से जोड़ा जाता है। इन सभी चीज़ों को जांच करने के बाद ही सैलरी में इजाफा होता है। इस फार्मूले में सबसे अहम बात यह है कि पिछले कुछ समय में अगर आपका परफॉर्मेंस सही नहीं है तो आपको एनुअल इंक्रीमेंट नहीं दिया जाने के ज़्यादा चांसेस बनते हैं। इसके साथ साथ इस फार्मूले में FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार देश के हर रोज यूज होने वाली चीज़ें जैसे फूड, क्लोथिंग, लिविंग व अन्य पर भी निर्भर करता है। अब बात करते हैं 8th पे कमीशन के बारे में, क्योंकि अभी तक सभी यही सोच रहे थे कि 7CPC की सिफारिश के अनुसार 8th पे कमीशन का गठन नहीं होगा, लेकिन आज मैं यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि 8th पे कमीशन का एक बार फिर से गठन होगा और यह सभी कर्मचारियों के लिए अधिक फायदेमंद होगा, क्योंकि पे कमीशन के जरिए ही हम पिछले पे कमीशन में रही एनोमलीज गलतियों को सुधार सकते हैं और पे अलाउंसेज के साथ साथ पेंशन में बढ़ोतरी सही ढंग से करवा सकते हैं। यह स्पष्टीकरण जो 8th पे कमीशन को लेकर हुआ है वह भारत सरकार वित्त मंत्रालय ने अपने एक लेटर जो दिनांक 2 अगस्त 2022 को जारी किया है उसमें किया है। इस लेटर के आप सब्जेक्ट में देख सकते हैं जो लिखा है, केंद्र सरकार के कर्मचारियों, पेंशन भोगियों के वेतन भत्ते और पेंशन की समीक्षा। यहाँ 1807 में श्री नारायण भाई जे राडवा ने वित्त मंत्री जी से कुछ प्रश्न पूछे हैं जो इस प्रकार हैं। सबसे पहले, क्या यह सच है कि सरकार केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन भत्ते और पेंशन में संशोधन के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग CPC का गठन नहीं करने पर विचार कर रही है? यदि हाँ है तो तथ्य संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं? इसका जवाब देते हुए वित्त मंत्रालय से राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी ने कहा, जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है और इस चीज़ के लिए कोई प्रश्न नहीं उठता है। इसके बाद फिर से पूछा गया, क्या यह भी सच है कि 7वें वेतन आयोग ने सिफारिश की थी कि सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 10 साल की लंबी अवधि के बाद नया वेतन आयोग बनाने की बजाय इसके वेतन भत्ते और पेंशन की समीक्षा प्रत्येक वर्ष करनी चाहिए? और यदि हाँ है तो 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को अभी तक लागू नहीं करने का क्या कारण रहा है? इसका जवाब देते हुए श्री पंकज चौधरी जी ने बताया, 7वें वेतन आयोग की अध्यक्षता में अपनी रिपोर्ट अग्रित करते हुए पैरा 1.22 में यह सिफारिश की गई थी कि मैट्रिक्स को 10 वर्ष की लंबी अवधि की प्रतीक्षा किए बिना आवधिक रूप से पुनरीक्षित किया जाए। इसको एक्वायर्ड फार्मूले के आधार पर पुनरीक्षित और संशोधन किया जा सकता है, जिसमें ऐसी उपयोगी वस्तुओं के मूल्य परिवर्तन को विचार के लिए शामिल किया जा सकता है जो सामान्य व्यक्ति की ज़रूरतों में शामिल होती हैं, जिनकी शिमला स्थित श्रम ब्यूरो आवधिक रूप से समीक्षा करता है। सुझाव है कि नए वेतन आयोग की प्रतीक्षा किए बिना उस मैट्रिक्स को आवधिक रूप से संशोधित करने के लिए इसी आधार पर बनाया जाना चाहिए। 7वें वेतन आयोग के आधार पर वेतन और भत्तों के संशोधन के लिए अनुमोदन प्रदान करते समय केंद्रीय मंत्रालय द्वारा इस मुद्दे पर विचार नहीं किया गया है। तो इस तरह यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि जो सुझाव दिया था 7th पे कमीशन ने वह सिर्फ एक सुझाव था जो सरकार ने नहीं माना है। इस तरीके से 8वें पे कमीशन का सरकार जल्द ही गठन करेगी और ज़्यादा से ज़्यादा फायदा देने की कोशिश करेगी। इसी के साथ एक बार सबसे अनुरोध है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और पसंद आए तो लाइक करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।